केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। वह ग्वालियर के प्रसिद्ध फूलबाग स्थित सिंधिया रियासत कालीन गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने शाही परंपरा के तहत भगवान श्री कृष्ण को शाही भोग अर्पित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, हर कोई कृष्ण की भक्ति में लीन है, फिर चाहे नेता हो या आम आदमी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कृष्ण की भक्ति में लीन है। ग्वालियर में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए ग्वालियर आए। पहले उन्होंने कोटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद वह ग्वालियर के प्रसिद्ध फूलबाग स्थित सिंधिया रियासत कालीन गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने शाही परंपरा के तहत भगवान श्री कृष्ण को शाही भोग अर्पित किया। अर्चना के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज मुझे गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माधव महाराज के द्वारा स्थापित इस मंदिर में सभी धर्मों को एकत्रित करके इसकी स्थापना की गई थी। आज यहाँ इतनी सुंदर मूर्तियों के दर्शन करने का अवसर मिला। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हमें सच्चाई, कर्म, निस्वार्थता, उसूल और नियमों के आधार पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर, इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण पूर्ण योगदान दे। जहाँ कोटेश्वर मंदिर से शुरुआत, दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे, इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है, ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में एकमात्र मंदिर है, पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है, आपके परिवार ने जेवरात हैं और ये सब कब के हैं, कुछ जानकारी हो सकती है? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है,
प्रशासन को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सर ग्वालियर में रीजनल 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा और जो क्षमता हमारे संभाग की है, अब एलिवेटेड रोड आ गई, हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, ISBT तैयार है, स्वर्णरेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है, अब हमारा संभाग अग्रसर होने के लिए तत्पर और तैयार है। तो सभी का स्वागत है और आकर हमें ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। कुल मिलाकर जन्माष्टमी के मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट MP News ग्वालियर।